वैसे ज़्यादा इशू तो लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा है काम बन जाएगा इस वाले ट्रैक्टर से भी। तो आज काफ़ी बड़े गैप के बाद जाके फार्मिंग सिमुलेटर की वीडियो आ रही है, और जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं दूसरे फार्म पे था, और इस वाले फार्म पे जो लास्ट वीडियो है जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम मैंने शॉटगन लगाई हुई थी, जो मैंने पूरी पूरी हार्वेस्ट करके ग्रेन मिल में सप्लाई कर दी थी आटा बनने के लिए, और बाकी जो बची थी वो मैंने यहाँ साइलोस में स्टोर कर दी थी। उसके बाद मैंने खेतों को बिल्कुल रेडी करके वीट लगाया था, और अब जो है वीट हार्वेस्ट होने के लिए रेडी है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारा काम किया यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने सेल करी है, तो अब मेरे पास अच्छा खासा बैलेंस हो गया। तो आज 9 लाख यूरो से भी ऊपर का बैलेंस है। तो मैंने क्या किया, ये रेंज ओवर नई रेंज ओवर नहीं है, पुराने वाली अपनी रेंज ओवर इवोक है, इसका मैंने कलर चेंज करा दिया है। इसका कलर मैंने कर दिया है वाइट, और इसके अलॉय भी मैंने चेंज करा दिए हैं। ये अलॉय भी इसके सिंपल वाले कर दिए हैं, पहले जो है टायरों पर लिखा हुआ था तो इतनी सही लग रही थी। तो इसी गाड़ी को लेकर चलता हूँ आज, और मुझे 3 नए खेत परचेस करने हैं। वो 3 खेत लाइन से हैं, और उन 3 खेतों को मैं परचेस करने के बाद एक सिंगल खेत बनाने वाला हूँ, और वो खेत है हमारे रेलवे लाइन के दूसरी साइड, बट उसका रास्ता है यहाँ से जो अपना ब्रिज है रिवर के ऊपर उससे। बाकी यहाँ पे जो अपनी काउस वगैरह है वो भी जो है बड़ी हो चुकी है, ज्यादातर सब ने मिल्क देना शुरू कर दिया है। ये तो पहले से मिल्क दे ही रही थी, और बाकी जो इस साइड यहाँ पे मैंने 4 बाल लगाए हुए हैं, इनमें से जो है 2 में तो जो है काउस ने मिल्क देना शुरू कर दिया है, और 2 में और मिल्क देना शुरू कर देंगी, मतलब अभी उनको 5-6 महीने और लगेंगे, तो वो भी 12 महीने की हुई हैं, जब वो 18 महीने की हो जाएंगी तब मिल्क देना शुरू कर देंगी। ये वाली तो ये मिल्क नहीं दे रही अभी, और ये देखने में तो काफ़ी बड़ी लग रही है। और वैसे मैंने एक बार मिल्क कलेक्ट करके सप्लाई कर दिया है, तो अपनी डेयरी में काफ़ी सारा मिल्क है। अब एक बार चलते हैं खेत की तरफ, और वहाँ पर जो है 3 खेतों को मैं परचेज कर लूँ, और फिर उन्हें पूरा मिला के सिंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे पावर प्लांट लगाया था जो काउस की स्लरी से चलता था उसे मैं फिर से लगा देता हूँ, पर वो 3-4 लाख यूरो का था, तो पहले देखना पड़ेगा इतना बैलेंस बचता भी है नहीं बचता। अभी फ़िलहाल मैं एक बार बाहर की तरफ चल लूँ यहाँ से। तो ये वाले खेत हैं अपने, इनमें जो है वीट बिल्कुल रेडी हो चुका है, और वीट के साथ साथ यहाँ पे घास फूस भी हो चुकी है, बट अब तो इस घास फूस को टालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मैं सीधा इसको हार्वेस्ट ही कर लूँगा। पहले एक बार सामने वाले खेत है, मैं जो सामने खेत दिख रहा है वही वाला खेत है, उसके बाद हार्वेस्टर भी रेंट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैं हार्वेस्टर लाया था वो तो मैंने वापस कर दिया था। ये वाले 3 खेत हैं वो, और ये ऐसे नहीं दिखेंगे, मेरे को थोड़ा ऊपर से दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो एक खेत तो ये है, दूसरा खेत ये है, और तीसरा खेत ये है, और ये खेत पूरे सीधे के सीधे हैं, और ये अगर मैं बीच का रास्ता हटा दूँ यहाँ पर भी खेत बना दूँ तो ये पूरा एक सिंगल सबसे लंबा खेत हो जाएगा। और वैसे तो इस खेत की शेप ऐसी है कि मैं यहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगा सकता हूँ, क्योंकि सोलर पैनल से भी जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, जो बिजली बनती है वो सेल होती है। वैसे इतने बड़े पे अगर मैं सोलर पैनल लगाऊंगा तो काफ़ी बड़ा सोलर पावर प्लांट बन जाएगा, और वो मेरे हिसाब से 500 किलोवाट से तो ज़्यादा का ये होगा प्रोडक्शन में। यहाँ पर मेरे को जनरेटर्स में ये रहा सोलर पैनल, और ये सोलर पैनल है अभी इस पर, एक तो ये छोटे वाला है कि मुझे मिलेंगे 648 यूरो, और ये बड़े वाला है, और ये फ़िलहाल तो मुझे परचेस करना पड़ेगा, 93,500 यूरो का आएगा, बट मिलेंगे इसके मेरे को 8,928 यूरो। तो ये अपनी कॉस्ट राउंड अबाउट 11 महीने में रिकवर कर देगा। तो पहले खेत देखूँ खेत कितने के, ये सोलर पैनल्स लगाने का जो प्लान है, मतलब एक पूरा बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का, वो मैं बाद में बनाऊँगा। तो अभी इन खेतों को नॉर्मली परचेस करके इनमें जो है कोई ना कोई क्रॉप लगा लेता हूँ। तो भी देखना ही पड़ेगा कि ये खेत टोटल मिला के कितने में आएंगे, और ये खेतों का नंबर तो मेरे को पता नहीं। ये वाला है तो ये खेत है, ये वाले 45, 46, 47। ओके तो अब देखते हैं 47 ही अकेला 5.5 लाख यूरो का है, 46 4.5 लाख यूरो का, और 45 जो है ऑलमोस्ट 7 लाख यूरो का है। ये इतने महंगे क्यों है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, छोटे हैं बट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, और अभी तो इनके लिए जो है काफ़ी सारा बैलेंस चाहिए होगा। और अगर मैं अभी ऐसे मेरे पास 35 और 36 नंबर खेत हैं, 34 तो सस्ता होना चाहिए, ये तो सिर्फ 99,000 यूरो का है। 33 ये वाला सस्ता है, जबकि ये वाला खेत इससे बड़ा है, और ये 30 नंबर वाला खेत भी जो है काफ़ी बड़ा है। वैसे तो ये वाला ये मैं परचेज़ कर सकता हूँ, अभी मैं 35, 36 से मैंने क्रॉप लगा रखी है, तो 30 नंबर परचेज़ कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर अभी कोई खेत परचेस ही ना करूं। और मैं इन वाले खेतों को अगर सेल कर दूं तो कितना मिलेगा मेरे को इनका, इस वाले का मेरे को 6 लाख यूरो मिल रहे हैं, और इस वाले के मिल रहे हैं मेरे को 2,88,000 यूरो। कही देता हूँ सेल, कोई बात नहीं, इसमें वीट लगा हुआ है, वीट को भी सेल कर देता हूँ, या फिर मैं वीट को पहले हार्वेस्ट कर लूँ उसके बाद सेल करता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं पहले यहाँ से वीट सारा हार्वेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इन्हें सेल कर दूँगा और इन 3 खेतों को परचेस कर लूँगा। तो पहले उसी खेत पर चलते हैं, वहाँ पर जो है वीट हार्वेस्ट करना है, और इसके इंडिकेटर अभी तक ऑन है। और इन वाले खेतों से फ़ायदा ये है कि यहाँ से मैं ट्रेन से भी जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ जो भी यहाँ से प्रोड्यूस करूँगा, ये ट्रेन का स्टेशन ही है पीछे।
तो इस बार मैंने दूसरे वाला हार्वेस्टर लिया है, हर बार मैं न्यू होलैंड का हार्वेस्टर लिया था, बट इस बार मैंने मैसी वाला लिया है। और ये मैसी वाले का कलर भी थोड़ा डिफरेंट है, ये डार्क कलर में है। और ये जो मैंने इसका हेडर लिया है ये भी मैसी वाला ही लिया है, और थोड़ा चेंज के लिए ठीक लग रहा है, ये वाला कलर भी अच्छा है। और वैसे तो रेंट पे ले रहा हूँ मैं सारे को तो इतना कोई इशू ही नहीं है। और ये इसका जो है ये अच्छा, सीढ़ियाँ खुल जाती हैं उतरने के लिए, और जब मैं बैठा था ये बंद हो जाएंगी ऐसे। ओके, और इसका हेडर ये 9.2 मीटर का है, और इसमें अंदर साथ में एक छोटी सीट है, तो ये वाली सीट शायद हेल्पर के लिए होगी। और ये ऊपर एसी की नॉब है, इधर भी एक छोटी स्क्रीन लगी हुई है, और इधर की साइड ये लाइट के इंडिकेटर हैं, और यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर आर्म रेस्ट भी बना हुआ है हाथ रखने के लिए। ये 9 मीटर वाला तो निकल जाएगा आराम से यहाँ से, क्योंकि ये ब्रिज पे मैं लास्ट टाइम 8.5 मीटर का तो लेके गया था। हाँ, निकल गया इजीली। पहले इधर वाले खेत से स्टार्ट कर देता हूँ। सही है, बाकी इसकी मैं स्टोरेज कैपेसिटी भी देख लूँ एक बार। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पता नहीं, जब खुल जाएगा तो पता चलेगा, अभी तो मेरे को लग रहा है शायद ये 18,000 के आसपास है। चलो इसको पूरा करने देता हूँ, इतने में कुछ और काम देख लेता हूँ। अभी फार्म पे जो है काफ़ी सारे काम है, तो मैं एक काम करता हूँ बायोगैस प्लांट पे देख लूँ कितने का कॉस्ट कर रहा है। 3-4 लाख का तो आसपास था बायोगैस प्लांट ना, जनरेटर्स में जाएगा यहाँ पे, तो ये काफ़ी महंगा है। 99 किलोवाट वाला जो है 4,35,000 रुपये का है, और ये 250 किलोवाट वाला 8,75,000 का है, और ये 500 किलोवाट वाला 11,80,000 का है। तो 500 किलोवाट वाला ठीक है, इसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा इससे जो है प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, बट अभी बैलेंस तो सिर्फ 9 लाख यूरो है, और मुझे दूसरे खेत भी लेने हैं, तो पहले खेत ले लेता हूँ उसके बाद देखेंगे। और अभी तो फिलहाल जो है इससे ही प्रॉफिट आएगा। तो अभी ये यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहा है, इतने मैं जो है ट्रॉली ले आऊँ यहाँ पे, ये जो ट्रॉली यहाँ पे, और ट्रॉली मैंने जो है इस वाली गाड़ी से अटैच कर रखी है, इसको हटा देता हूँ, ट्रैक्टर लेके चलता हूँ प्रॉपर। वैसे तो इसमें पीछे जो है ट्रक भी अटैच हो जाएगा इस वाली ट्रॉली में, ट्रैक्टर ही ले लेता हूँ, ट्रैक्टर खड़ा तो है सामने, और इस गाड़ी को फिलहाल यहीं पार्क कर देता हूँ उसके ऊपर चढ़ा के। अभी मेरे पास एक ढंग का ट्रैक्टर भी नहीं है, एक ढंग का ट्रैक्टर भी परचेस करना ही है मुझे, एक ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। वैसे तो ये जेसीबी वाला है, बट ये मीडियम साइज़ का, इतना पावरफुल है नहीं। कि नया वाला ट्रैक्टर है, और ये इसका नाम भी अलग सा ही है, रोज सेलमेश, पता नहीं क्या नाम है इसका, बट इसकी पावर ठीक है, ये 375 हॉर्स पावर का है, और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम है बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले। और इसमें फ्रंट वेट लगाने के ऑप्शन है, फ्रंट वेट की तो ज़रूरत नहीं है, और ये ट्विन टायर्स इसमें बाई डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। वैसे मैं सिंगल भी कर सकता हूँ क्या, ये नैरो ट्विन है, ये ट्विन व्हील्स हैं, ये वाइट टायर्स हैं। ट्रैक्टर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें जो है ना ट्विन टायर्स चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को हैवी लग रहा है, ट्विन टायर्स ही रखते हैं नॉर्मल वाले। बाकी जीपीएस वगैरह की तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, व्हील ब्रांड भी ठीक है इसमें, व्हील ब्रांड इसके अलावा चेंज करके देख लेते हैं, सारे एक से ही लग रहे हैं, ये वाले भी ठीक है, इसे तो डायरेक्ट बाय कर लेता हूँ, लीज पर ही लेना इसको तो रखना ही है। और अब इससे अटैच कर लेता हूँ सॉलिड ट्रॉली को। ये ट्रैक्टर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये भी बीच में से शायद मूव करता है यहाँ से ना, एक मिनट देखता हूँ। तो इसका केबिन मूव नहीं करता, कुछ ट्रैक्टर आते हैं बड़े वाले जिनका केबिन पूरा घूम के दूसरी साइड हो जाता है, और ट्रैक्टर को दूसरी साइड से भी जो है चला सकते हैं, मतलब उधर से भी स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अंदर से काफ़ी क्लीन सी लुक है एकदम, और पीछे का भी पूरा प्रॉपर दिख रहा है शीशे में से। 27 की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड तो कम है, और गियर भी 4 ही है, तो ट्रैक्टर थोड़ा पुराना मॉडल है इसलिए ऐसा है, उस टाइम 4 ही गियर आते होंगे मैक्सिमम, की शेप देख के समझ में आ रहा है। बट इसकी पावर ठीक है, 375 हॉर्स पावर काफ़ी होती है, काफ़ी अच्छा खासा लोड ये जो है खींच सकता है। हाँ, ट्रॉली अटैच तो हो गई से सही, और बाकी इसमें कुछ डिफरेंट तरह की अटैचमेंट भी है पीछे। हाँ, ये कोई दूसरी ट्रॉली वगैरह अटैच करने के लिए होती होगी, और उठ क्यों रहा है ये, टायर टच हो रहे ट्रॉली के पीछे से। तो ये हार्वेस्टर भी ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, 80% का मैसेज तो आ गया, अभी रुक जा यार, रुक थोड़ा अनलोड करने दे। तो ये वाली ट्रॉली एक बार में तो नहीं भरने वाली, अबे भागे जा रहा है, रुक जा।
30-31% फुल हो गया। मतलब ये गेहूँ में जो है जल्दी फुल हो जाता है। शोरगुम में तो 4-12 में फुल हो रहा था और गेहूँ में जो है ये 3 बार में फुल हो जाएगा। तो अभी तो उसको यहीं पार्क करता हूँ। और अभी तो थोड़ा सा खेत हार्वेस्ट हुआ है, ये खेत काफ़ी बड़ा है और उसके बाद ये वाला खेत भी है और उसके बाद वो सामने वाला खेत भी है वहाँ पे। और वैसे यहाँ पे इसने ये स्ट्रो भी इकट्ठा कर दिया, तो इस स्ट्रो की भी मैं बेल्स बना सकता हूँ। स्ट्रो बेल्स यहाँ से बन जाएंगी और स्ट्रो बेल्स से मुझे रेगुलरली अब जरूरत पड़ती रहती है काउस को खाना देने के लिए। उनका TMR मैं क्योंकि फार्म पर ही बना रहा हूँ, तो एक स्ट्रो बेल्स की मशीन भी ले ही आता हूँ, उसको यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये स्ट्रो बेल्स भी बनती ही रहेंगी इससे। तो ये वाला पोटिंग करके आता है और ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। इससे जो है तीनों चीज़ बन सकती हैं, इससे हे बेल भी बन सकती है, स्ट्रॉ बेल भी बन सकती है और साइलेज वाली बेल्स भी बन सकती हैं। तो ये जब साइलेज वाली बेल्स बनाते हैं तो ग्रास को यहाँ से रैप कर देता है और नॉर्मल वाले को रैप नहीं करता, तो इसी को ले लेता हूँ। बट इसके लिए एक ट्रैक्टर चाहिए होगा, ट्रैक्टर फिलहाल JCB वाला है या फिर मैं एक ट्रैक्टर और ले लेता हूँ। एक पुराना वाला ट्रैक्टर था जो मैंने अभी देखा गेम में नया आया था, तो इसको भी बाय कर रहा हूँ। ज़्यादातर सारी चीज़ें बाय ही कर रहा हूँ, फालतू में इनका रेंट भर के कोई फायदा है नहीं, ये सब चीज़ें रेगुलर अब यूज़ में आने वाली हैं। तो एक ट्रैक्टर और देखा था मैंने, वो दिखा देता हूँ। तो ये वाला ट्रैक्टर है जॉन डियर का, काफ़ी ओल्ड मॉडल है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। ये 4,850 यूरो का है बस, और इसकी पावर काफ़ी कम है, ये सिर्फ 41 हॉर्स पावर का है, बट बेल लोडर के लिए इतना सफिशिएंट है। और इसमें देखना पड़ेगा कि बेल लोडर पीछे अटैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसकी अटैचमेंट थोड़ी डिफरेंट तरीके की लग रही है मेरे को। बट ये इसमें अटैचर आते तो हैं, ये ना 3 पॉइंट वाला है, हाँ ये रहा 3 पॉइंट वाला मिल जाएगा मेरे को, इससे तो अटैच हो जाएगा। और स्टैंडर्ड 3 पॉइंट ये वाला लगवा लेता हूँ। और उसके अलावा डिज़ाइन में ओल्ड एग्जॉस्ट है और एक ये क्रोम वाला एग्जॉस्ट, इसमें बीच में फिल्टर भी है। ये क्या है इस पर? अच्छा इस पर छत भी लग जाती है, विदाउट हुड ही लेते हैं। तो ये लाइट भी जो है इसमें अलग से लगवानी पड़ेगी, विदाउट लाइट है और ये लाइट है, लाइट तो चाहिए रात को काम करने के लिए। व्हील सेटअप में जो है स्टैंडर्ड, कलर इसका चेंज कर लेता हूँ कलर यहाँ से ब्लैक, और बस कलर के नाम पर खाली ग्रिल का कलर ही चेंज हो रहा है। हाँ खाली ग्रिल का, ग्रिल तो फिर ऐसे ही रहने दो, मतलब इसमें एक ही कलर आता है ये वाला। और कस्टमाइजेशन मिला के 8,400 यूरो का हो गया, चलो इसको ही बाय कर लेते हैं, सस्ता आइटम है। तो ये वाला ट्रैक्टर है और मुझे लग रहा था कि इसका साइज़ थोड़ा ठीक ठाक सा होगा, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा निकला और ये मशीन इतनी बड़ी है भी नहीं। बाकी ट्रैक्टर्स के सामने मशीन नॉर्मल लगती है और इसके सामने कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो ये तो अपनी जो सबसे छोटी वाली गाड़ी है उसकी कैटेगरी का ट्रैक्टर आ गया, इसीलिए इतना सस्ता मिल रहा था और वहाँ फोटो में तो थोड़ा बड़ा लग रहा था। अब देख लेता हूँ अटैच करके, नहीं तो कोई नहीं इसको जो है अपने फार्म पे छोटे मोटे काम के लिए यूज़ कर लूँगा। अब ये इससे अटैच हो जाएगा तो देख लेते हैं, इसीलिए इसकी पावर काफ़ी कम थी। हाँ अटैच तो हो गया, बट ये ना गलत अटैच हुआ है, इसकी हाइट नीचे है और ये अटैच हुआ तो ये मशीन जो है नीचे को झुक गई और ये मशीन थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है। तो अब ये ढंग से काम करेगी नहीं करेगी चला के देख ही लेता हूँ एक बार खेत में, और उसके बाद अगर नहीं करेगी तो ट्रैक्टर और ले जाऊंगा। वैसे इस मशीन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती ही नहीं है, धुआं कितना छोड़ रहा है ये ट्रैक्टर, इधर उधर भाग रहा है थोड़ा सा मोड़ते ही ना। मशीन में पीछे वेट तो है ही, वैसे ज़्यादा इशू तो लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा है काम बन जाएगा इस वाले ट्रैक्टर से भी। तो अब यहाँ खेत तक तो आ गया और अब बस मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो पहले इस मशीन के जो है ये आगे वाले टायर नीचे करने पड़ेंगे, और नहीं मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इनसफिशिएंट इंजन पावर लिखा आ रहा है। तो एक काम करता हूँ उसको हटा देता हूँ, वो सामने वाला ट्रैक्टर भी तो अभी फ्री खड़ा है, उसको लगा लेता हूँ। बट ये बार बार जो है अटैच करना पड़ेगा, फिर जो है इसे डिटैच करना पड़ेगा ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि अभी हार्वेस्टर फिर से फुल होने वाला है। अब एक और ट्रैक्टर लेना ही पड़ेगा मेरे को ना, यहाँ अपनी यहाँ पे गाड़ी भी तो खड़ी थी, ट्रैक्टर ले ही लेता हूँ गाड़ी से, जो है फालतू में प्रॉपर काम होता ही नहीं है। तो ये वाला ट्रैक्टर भी नया है Robo6, और वैसे मैंने पहले इसके जैसे एक ट्रैक्टर लिया था बट उसकी कंपनी दूसरी थी, ये Robo6 जो है नया ब्रांड है। तो ये ट्रैक्टर है 190 हॉर्स पावर का, ये भी परचेज ही करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है आज तो। और अभी टोटल बैलेंस कितना बचा है, 4,27,000 यूरो, और मैंने जो है आधे ज़्यादा बैलेंस तो इन चीज़ों को परचेज़ करने में और खर्च कर दिया। तो ये रहा नया ट्रैक्टर, और वैसे ही सारी सारी मुझे चीज़ें परचेज़ करनी थी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं जो है रेंट पे ले लेके काम चला रहा था, और अब रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट तो आ ही रहा है, और रेंट पे लेने पर प्रॉफिट में से जो है कुछ हिस्सा तो रेंट में चला जाता है, इसलिए जो है परचेज़ कर ही लेता हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादातर वैसे ही सारे ट्रैक्टर चला के देख लिए थे रेंट पे ले लेके, और जो मुझे सही लगे थे उन्हीं को मैं जो है परचेज़ कर रहा हूँ।
हाँ इस पे स्टार्ट हो गई मशीन आराम से। तो पहली स्ट्रो बेल तो बन भी गई और ये यहीं से पीछे अनलोड हो जाएगी। तो ये अनलोड कर दी यहाँ पे, ऐसे करके मैं काफ़ी सारी बेल्स बना लूँगा। और अभी जो है ये खेत इतने बड़े हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये पहला खेत ही है अभी। इसके अलावा दो खेत हो रहे हैं जिनसे वीट हार्वेस्ट करना है और ये बेल्स ही बनानी है। और ये बेल्स सारी सारी मुझे मैनुअली बनानी पड़ेंगी, इनके लिए वर्कर असाइन नहीं कर सकता। तो अभी इस सारे काम को जो है ख़त्म करके उसके बाद सारे गेहूँ को पहुँचा दूँगा अपनी ग्रेन मिल में। वहाँ पर जो है गेहूँ का आटा बनता रहेगा, वो बेकरी को सप्लाई होता रहेगा। और बाकी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है खेत परचेज़ करते हैं, उन तीनों खेतों को परचेज़ करके मिला दूंगा आपस में और सबसे लंबा खेत बन जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक बार एक ही वर्कर को साइन करूंगा और वो पूरा काम इकट्ठा एक साथ ही कर लेगा। और बिल्कुल सीधा खेत है तो वर्कर जो है कहीं फंसेंगे भी नहीं। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।